लकम बैक टू माई चैनल आई एम पल्लवी आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आज मैंने ये नवरात्र स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया है जो की बहुत ही प्यारा एंड ब्यूरेबल मेकअप लुक है सो आई जस्ट होप की आप लोग को पसंद आएगा सो लेट्स गेट स्टार्ट इट सो so, मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया था मैं स्टार्ट करी हूँ प्राइमर से एंड मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर एंड ये एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल आता है बहुत ही अच्छा प्राइमर है आप अगर टीन एजर्स या बिगनर है तो आपको ये प्राइमर एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए एंड प्राइमर आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये आपके मेकअप एंड स्किन के बीच एक लेयर प्रोवाइड करता है एंड आपके पोर्स को भी ये मिनिमाइज़ कर देता है जिससे कि मेकअप के जो एलिमेंट्स है वो आपकी स्किन में नहीं जाते हैं एंड ये आपकी स्किन आप को आप, भी बहुत स्मूथ कर देता है दैन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैब्लिन का सुपर स्टे ट्वेंटी फोर आर्स फाउंडेशन एंड मेरा शेड है टू ट्वेंटी सो इसे मैं अपने थोड़ी थोड़ी से अपने स्किन पे लेके अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे मैं अपने फिंगर के हेल्प से ही ब्लैंड करूँगी इसलिए मैंने बहुत ही लिटिल अमाउंट में लिया है तो so, इसकी कवरेज अच्छी है इसलिए आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है एंड अगर आपको कम लगे भी तो आप इसे बिल्डअप कर सकते हो एंड अगर आप फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर रहे हो तब तो बहुत ही अच्छा है देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये एन वाई बी का कंसीलर स्टिक एंड इसे मैं अपने अंडर ऑफ़ द आईज फॉर हेड चिन पे एंड अराउंड माई माउथ एरियाज पे अप्लाई कर लूँगी एंड ये क्रीम प्रोडक्ट है तो ये भी बहुत ही ईजिली फिंगर की हेल्प से ब्लेंड हो जाता है एंड मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने सोचा ये वाला यूज़ कर लेती हूँ अच्छा रहेगा एंड नवरात्रि लुक है तो आपको अपना स्किन जो है वो पैच ही नहीं दिखाना है अच्छा दिखाना है बहुत ही स्मूथ दिखाना है सो तो या सो तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फिंगर की हेल्प से ना आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है ये मैं कर लूँगी अपने कंसीलर को सेट तो मैंने यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट लिया है एंड मैं जहाँ जहाँ कंसीलर यूज़ किया है मैंने मैं बस वहीं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ वहीं सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी मेरा जो स्किन है वो ऑलरेडी ड्राई है तो मैं पूरे फेस पर यूज़ करना प्रिफर नहीं कर रही हूँ अभी सो या आई एम डन देन मैंने अपने आईज पे भी थोड़ा सा गजीला अप्लाई किया है एज अ आई बेस ताकि जो मेरी आई सैडो का कलर है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को दिखे एंड अच्छा दिखे देन इसे भी आपको सेट कर लेना है देन मैंने यहाँ पे लिया है कफ एंड लैसेज दैट मी पैलेट एंड उसमें से मैंने लिया है ये पिंक शा शेड तो so, इसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ ये बहुत ही लाइट पिंक शेड है इसे आप बिल्डअप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो सो so, मैंने धीरे धीरे बिल्डअप किया है एंड देन मैं अपने पूरे आईलेट पे इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ देन मैंने डार्क पिंक शेड लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं पूरे आईलेट पे इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ सो या देन मैं सेम कलर को अपने लोअर लेस लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ सो so, ये नवरात्र लुक है तो थोड़ा सा ऐसे रंग बिरंगा सा दिखना अच्छा लगता है एंड ज़्यादा फोकस मैं अपने eyes पे कर रही हूँ देन मैंने यहाँ पे लिया है ये poppy पिंक की शिमरी शेड एंड ये एक ऐसा कलर है ना जो अगर आप पर्पल आई मेकअप कर रहे हो उसके साथ भी जाता है ब्लू कर रहे हो उसके साथ भी जाता है पिंक कर रहे हो उसके साथ भी जाता है ये बहुत ही अमेजिंग शेड है तो so, इसे मैं अपने लिटिल बिट अपने आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ मिडिल आईलेट पर देन हम अप्लाई करेंगे आई सो so, मैं एक अच्छा खासा विंग आई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ये आ, मतलब नवरात्रि में थोड़ा सा अपने आपके आइज़ पे ज़्यादा फोकस होता है आइज़ ज़्यादा अच्छी दिखनी चाहिए हैवी दिखनी चाहिए सो या इसलिए मैं अच्छे से विंग आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ देन मैंने यहाँ पे लिया एच आर का ये ब्लू ग्लिटर आई लाइनर एंड मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो रही हूँ गाइज सो so मैंने यहाँ पर आई लाइनर के जस्ट ऊपर ही से अप्लाई किया है एज अ आई लाइनर ही आप देख सकते हो uh, मैंने सोचा शायद अच्छा लगेगा एंड नवरात्र है तो थोड़ा सा ग्लिटरी ग्लिटरी सा रंग बिरंगा सा अच्छा लगेगा एंड मैं सही थी आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है अच्छा लगा मुझे देन मैं अपने लोअर लैस लाइन पे भी एक ब्लू शार शेड लेके अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैचिंग सा हो जाए ताकि कुछ अलग सा ना दिखे देन मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का ये काज़ल क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपकी आइज थोड़ी हैवी होनी चाहिए अच्छा लगता है सो इसलिए मैं काज़ल अप्लाई कर रही हूँ देन मैं लेसेस की हेल्प लेस कर्लर की हेल्प से अपने लैसेस को कर्ल कर लूँगी वैसे फॉल्सेस तो अप्लाई करना ही है देन मैंने यहाँ पे लोटस का मस्करा अप्लाई किया है सो so, मैंने यहाँ पे फॉल्स अप्लाई कर लिए ना, आप देख सकते हो फॉल्स अप्लाई करने के बाद आपका पूरा मेकअप में जो है ना एकदम चेंज सा हो जाता है जैसे कहते हैं ना गेम चेंजर तो फॉल्सिस जस्ट वैसा ही होता है सो so, अब हम अपने आईब्रो को फिल करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन एंड ब्लैक शेड लिया है सेम पैलेट से एंड इसे मैं अच्छे से लेकर फिल कर लूँगी अपने आईब्रो को एंड ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है इससे आप इसे आप बहुत तरह से यूज़ करते हो बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो So I'm done with my eyebrow. Then again मैंने सेम पैलेट से ये ब्राउन शेड लेके अपने फेस को कॉन्ट्रोल किया है एंड आपको जस्ट इस ऐसा फेस बनाना है फिस टाइप ऑफ एंड अपने हॉलो ऑफ द चेक्स को अच्छे से कॉन्ट्रोल कर लेना है आप डिफ्रेंस देख सकते हो दोनों चेक्स में ये थोड़ा सा ऐसे शेप में आ गया एंड ये हल्का सा फ्लफी सा लग रहा है सो so, मैं अपने हॉल ऑफ द चिक्स को फ़ोर हेड को अपने जॉ लाइन को एंड एज यूज माई नोज इन सब को मैं कॉन्ट्रोल कर लूँगी देन मैंने सेम पैलेट से एक पिंक शा शेड लेके अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई किया है एज अ ब्लश आप देख सकते हो एंड बहुत ही प्यारा कलर है ये भी अच्छा लग रहा है एंड मेरे मेकअप के साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है देन मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है एंड इसे मैं अपने चिक बोन्स पे फॉरहेड पे अप्लाई करूँगी एंड ये बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है गाइज़ बहुत ही अमेजिंग तो so, मैंने अपने टिप ऑफ़ द नोज ब्रिज ऑफ द नोज़ फॉर हेड, चेन एंड लिप्स पे अच्छे सप्लाई कर लिया है लिटिल बिट माई ब्राबोन एंड इनर कॉर्नर क्योंकि ज़रूरी है अच्छा लगता है नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक सो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रे करके के मिनी लिपस्टिक सेट में से शेड नंबर फोर्टी सिक्स सो ये पर्पल काइंड ऑफ शेड था एंड ये मुझे उतना पसंद नहीं आया तो इसे टोन डाउन करने के लिए मैंने अगेन एक पिंक सा शेड लिया है एंड इसका शेड है फिफ्टी अब मैं थोड़ा सा वो वो बनते ना थ्री मोल ऐसे ट्रायंगल में तो मैं वो बना रही हूँ इससे थोड़ा सा लुक को और ऐसा नवरात्रि सा लग जाता है तो अच्छा लगता है एंड यहाँ मैं अगेन बिंदी लगा रही हूँ ब्लैक से ही आईलाइनर से ही तो so, हो चुका एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस बहुत ही सटल सिंपल एलिगेंट एंड एंडवेरेबल लुक है ये आप बहुत ही कैरी कर सकते हो जब ये लुक मैंने क्रिएट किया था तो मुझे तो मन कर रहा था कि मैं जाऊँ और सच में गरबा खेल के आऊँ बहुत ही अच्छा लग रहा था सो so, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल बटन को हिट कर हैं बाय बाय